नमस्ते एंड वेलकम टू लकीज ब्यूटी एंड क्रिएशंस। मेरा नाम है लक्ष्मी। आज हम देखेंगे ये क्यूट से क्रोशिया से फ्लावर किस तरह से बनाए जाते हैं। ये आप अपने ड्रेसेस पे या कोई भी प्रोजेक्ट्स पे यूज कर सकते हो, हेयर बैंड्स पे बच्चों के, एंड एक जस्ट एक हेयर पिन लगा के आप भी यूज कर सकते हो, या बो की तरह आप छोटे से सिल्क थ्रेड से ये बना के बो की तरह भी आप यूज कर सकते हो, एंड क्लिप जो टिक टैक क्लिप्स आते हैं वो वहाँ पे आप आपके इमेजिनेशन हिसाब से ये आप फ्लावर्स यूज कर सकते हो। एंड मेरे चैनल पे बहुत सारे और भी क्रोशिया के फ्लावर्स मैंने ट्यूटोरियल बनाए हुए हैं, वहाँ आप देख सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप चाहे तो वो भी चेक कर सकते हो। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कलर यूज किया है, अब मैं यहाँ पे दो कलर्स यूज कर रही हूँ। एंड यूज यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ हुक 3 mm का या 5 नंबर का, शायद आपको दिख रहा है। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरह से रोल करके, एक मैजिक लूप। इसका मैंने ट्यूटोरियल क्लियरली किस तरह से ये मैजिक लूप बनाया जाता है बनाया मैंने क्रोशिया के बेसिक स्टिचेस में, तो बेसिक्स का सारा लिस्ट जो वीडियो के कॉर्नर में जो आइकन मार्के वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ हमने एक नॉट बना दिया 1, 2 नॉट, ये एक चेन मिला के हमने यहाँ पे 3 चेन बना लिए हैं। अब जो ये हमें सर्कल नजर आ रहा है, इस सर्कल में हम 16 ऑलरेडी ये एक जो है यहाँ में हम एक डबल क्रोशिया ये कंसिडर करेंगे, तो अब हमें नेक्स्ट 15 डबल क्रोशिया करना है। तो इस तरह से लेके इस होल में डालेंगे और इस तरह से लेंगे, और अब 3 लूप्स हैं। फर्स्ट 2 को बाहर निकालेंगे, अब नेक्स्ट 2 को हम बाहर निकालेंगे। ये 2 हो गए हैं। इसी तरह हमें टोटल 16 होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी तरह 16 हमें करने हैं। अब हम 16 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिया है। जो ये टेल दिख रहा है ये हम इसको अब खींचेंगे स्लोली ताकि ये होल क्लोज हो जाए। तो ये होल क्लोज हो चुका है। अब यहाँ से हम जो फर्स्ट हमने 3 चेन लिए थे 1, 2, 3 थर्ड चेन में हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। अब यहाँ पे मैं दूसरा कलर अटैच करूंगी। ये दूसरा कलर मैं ले रही हूँ, यहाँ पे मैं अटैच कर लूंगी और इसको इस तरह से खींच के इन दोनों को एक नॉट लगा दूंगी मैं। अब हम ये ग्रीन कलर को कट कर देंगे। अब हम यहाँ पे 1, 2, 3 चेन्स लिया हमने। 3 चेन्स लेने के बाद इसी के बेस में हम और एक डबल क्रोशिया करेंगे सेम बेस में। यहाँ में 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हम 1, 2, 3 यहाँ पे आप चाहे तो बेस यहाँ पे ये जो है 3 mm के हुक से करके डिजाइन के लिए आप 2.5 mm हुक को स्विच भी कर सकते हो, इसे और भी अच्छा आता है फ्लावर। ये हमने 3 चेन्स कर लिए हैं। अब नेक्स्ट 1 चेन को हमें स्किप करना है। नेक्स्ट चेन में हमें डबल क्रोशिया करनी है, 2 डबल क्रोशिया एक हो गया, और उसी में और एक करेंगे। फिर हम 3 चेन्स लेंगे, फिर हम एक स्किप करेंगे और दूसरे में नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया, फिर 1, 2, 3 चेन्स लिया,
फिर हमने एक छोड़ा और नेक्स्ट आप यहाँ पे थ्री के अलावा टू भी चेन्स डाल सकते हो। थोड़ा सा हमें गैप चाहिए, हम गैप क्रिएट कर रहे हैं, तो ये मैं कंप्लीट इसी तरह हम कंटिन्यू करेंगे। ये भी इस तरह दिखेगा। यहाँ पे लास्ट हमने डबल क्रोशिया डाल दिया। अब टू चेन्स लेके इसको वन टू थ्री थर्ड चेन में सिंपल स्टिच करके सर्कल क्लोज करेंगे। अब हमें ये जो हमें गैप नजर आ रहे हैं यहां से एक स्लिप नॉट करना है इधर इन दोनों के गैप से अंदर से। अब ये पार्ट हमें क्रिएट करते हुए जाना है। ये जो पार्ट हमें दिख रहा है ये इसी तरह से क्रिएट होते जाता है, तो ये कैसे करना है देखेंगे। ये जो वी हमें दिख रहे हैं, फर्स्ट हमें डबल क्रोशिया स्टार्ट करना है यहां से फाइव, और बाद में यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच कर दिया। स्लिप स्टिच करने के बाद ये यहाँ अब हम ये जो पार्ट है यहाँ पे फाइव डबल क्रोशिया डालेंगे फर्स्ट, एंड बाद में यहाँ पे डबल क्रोशिया डालेंगे। तो यार्न को इस तरह से लेके ये जो पार्ट है ये जो डबल क्रोशिया इसे हमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करना है, इस तरह से लेना है, और यहां से हमें कंटिन्यूस बैक टू बैक यहीं पे फाइव डबल क्रोशिया डालना है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। वन टू थ्री फोर फाइव। अब हमने इस पार्ट पे डाल दिया है। अब हमें इसी तरह से घुमाना है, घुमा के क्लॉकवाइज। अब ये जो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे इस पार्ट में हमें डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करना है। अगेन ऊन को लपेटा इस तरह से, इसको भी फ्रंट पोस्ट करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव। वापस हम पहले की इस तरह से ये अभी दिख रहा है, यहां आप देख सकते हो ये एक हो गया है इस तरह से। यहाँ हम जो फर्स्ट हमने डबल क्रोशिया किया था वहां हम एक स्लिप नॉट करेंगे। ये स्लिप नॉट एक हो गया। फिर ये जो नेक्स्ट वी के बीच में ये जो गैप है इस गैप में हम फर्स्ट फोर डबल क्रोशिया डालेंगे, फोर या फाइव, मैं यहाँ पे फोर डाल रही हूँ। वन टू थ्री फोर। यहाँ पे मैंने फोर डबल क्रोशिया डाला है, यहाँ आप देख सकते हो ये वाला पार्ट बन रहा है अभी। अब हम ये नॉट क्रिएट करेंगे। नॉट क्रिएट करने के लिए वन टू थ्री चेन्स लेंगे, और अब हम फर्स्ट चेन जो है यहाँ पे स्लिप कर देंगे इसको इस तरह से लेके स्लिप। अगेन इसी गैप में हमें अगेन फोर डबल क्रोशिया करना है। वन टू थ्री फोर। ये एक लूप के साथ एक पेटल रेडी हो गया है। इसी तरह हमें अगेन यहां पे ये जो लाइन है अगेन हमें फर्स्ट यहाँ पे फाइव डबल क्रोशिया नेक्स्ट यहाँ पे फाइव डबल क्रोशिया करना है। तो यार्न ओवर करेंगे, जो ये वाला लेयर है डबल क्रोशिया यहाँ पे हम डबल क्रोशिया करते जाएंगे। टू
3, 4, 5, एक साइड हो गया, फिर हम इसी तरह घुमाएंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशिया पे भी हम इसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5 अगेन नॉर्मल सीधे पे आ गए हैं हम। अब हम ये राउंड होने के बाद जो हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था उसी पे एक स्लिप नॉट कर देंगे, फिर हम इस तरह से एक चेन लेंगे, चेन लेने के बाद 1, 2, 3, 4 हम नेक्स्ट गैप में वर्क कर रहे हैं। अब ये 4 डबल क्रोशिया हो गए हैं गैप में। अब हमें ये पाइकॉट, ये जो नॉट हम क्रिएट कर रहे हैं, अब 1, 2, 3 फर्स्ट चेन में अगेन हम इस तरह से इंसर्ट करेंगे, अब इसमें से इस तरह से और स्लिप नॉट दोनों चेन्स में से निकालेंगे, फिर हम इसी गैप में नेक्स्ट 4 डबल क्रोशिया करेंगे, 1, 2, 3, 4 फिर हमें नेक्स्ट वी आ गया है, ये डबल क्रोशिया। फर्स्ट डबल क्रोशिया में हम अगेन यही चीज हमें रिपीट करते जानी है, फिर यहाँ पे हम 5 डबल क्रोशिया डालेंगे, 2 हो गए हैं, 3, 4, 5 ये 5 डबल क्रोशिया हो गया। इसी से टर्न करते हुए नेक्स्ट डबल क्रोशिया में आपको बनाते हुए ये दिखता जाएगा, 2, 3, 4, 5 फिर हम नॉर्मल सीधे पे आ गए हैं। अगेन हमें फर्स्ट जो ये फर्स्ट वाला है वहां पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे, थोड़ा सा यहाँ पे लूज कीजिए, बहुत ज्यादा टाइट नहीं कीजिएगा। आप चाहे तो यहाँ पे 5 होने के बाद यहाँ एक चेन भी डाल सकते हो, ये नाइसली इस तरह से खुला हुआ आ जाएगा, तो मैंने नहीं डाला है अभी। यहाँ पे एक चेन लेंगे, फिर ये जो नेक्स्ट गैप है वही प्रोसीजर हमें रिपीट करते हुए जाना है पूरा फ्लावर खत्म होने तक। मैं ये लाइन पूरा फिनिश करके दिखाऊंगी है, ये इन दोनों के जो सेंटर है यहाँ पे हम लास्ट पेटल क्रिएट कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4 4 डबल क्रोशिया डाल दिया, 1, 2, 3 चेन्स, फिर नेक्स्ट हम फर्स्ट जो चेन है वहां पे स्लिप नॉट कर दिया, फिर नेक्स्ट उसी गैप में 4 डबल क्रोशिया डालेंगे, 1, 2, 3, 4 ये लास्ट जो हमने किया है लास्ट, और ये जो फर्स्ट स्टार्टिंग में था वहां पे हम इसको इस तरह से स्लिप नॉट कर देंगे। स्लिप नॉट करने के बाद इस थ्रेड को वापस इस तरह से बैक में हम एक चेन बना लेंगे, थोड़ा सा ये लूज करके ताकि वो थ्रेड बैक में चला जाए, अब यहां पे एक नॉट डाल के एक लंबा सा छोड़ देंगे ताकि हमें किसी भी प्रोजेक्ट में ये अटैच करने के लिए हेल्प हो जाए। तो ये हमारा फ्लावर
रेडी हो गया है। यहाँ आप देख सकते हो ये क्रोचेट के क्यूट से फ्लावर रेडी हो गए हैं। ये जरूर ट्राई कीजिएगा और कैसा लगा कमेंट मुझे कमेंट बार में कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ है तो जरूर लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए।